थाने में खड़े ये हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले अंतर्गत ग्वारा नगर परिषद के कर्मचारी। इन कर्मचारियों पर पिछले दिनों सब्जी बाजार में दुकानदारों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्वारा नगर परिषद में कार्यरत परमलाल प्रजापति नाम के एक कर्मचारी पर सब्जी बाजार में बैठे कुछ दुकानदारों ने हमला कर दिया। इन कर्मचारियों का कहना है कि तहसीलदार के आदेश पर पिछले दिनों हाईवे पर सब्जी मंडी को हटाने के निर्देश दिए गए थे और इसी निर्देश का पालन कराने के लिए जब नगर परिषद के कर्मचारी सब्जी बाजार में पहुंचे तो उन पर हमला कर दिया गया। कर्मचारियों ने अपने एक कर्मचारी पर हुए हमले की शिकायत ग्वारा थाने में पहुंचकर की और इस मामले में न्याय की मांग की है। कर्मचारियों की शिकायत पर ग्वारा उप थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले दिनों तहसीलदार के निर्देश पर ही उक्त कर्मचारी सब्जी बाजार को हटाने गए थे, क्योंकि उक्त सब्जी बाजार हाईवे के किनारे लगता है, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल क्या है कि ग्वारा में साप्ताहिक बाजार लगता है जी। जो बाजार को मेन बस स्टैंड से हटाकर तहसीलदार महोदय के आदेश से भगवान रोड पर शिफ्ट किया गया है। जो कुछ नगरपालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि कोई भी बाजार या कोई भी दुकानें मेन बस स्टैंड पे ना लगे, इनको भगवान रोड पर शिफ्ट कराया जाए। तो कल नगरपालिका के जो कर्मचारी बाजार को शिफ्ट कराने में लगे हुए थे उनके साथ कुछ पटेल लोगों ने मारपीट गाली गलौज की थी। जो उसमें हरियादी परमलाल प्रजापति सहायक राजस्व निरीक्षक अपने नगर परिषद ग्वारा के उनकी रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें शासकीय कार में बाधा मारपीट और SC ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामला विवेचना में है, आरोपियों की पता तलाश की जा रही है, सीधी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है।